मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई टैक्स तो लग नहीं रहा है, ना मोदी जी पर टैक्स लगेगा ये जबानी जमा खर्च करने के लिए। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है, नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कांग्रेस, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर के जबरदस्त हमला किया। गांधी परिवार पर चुन चुन करके उन्होंने हमला बोला और ये बात कांग्रेस को चुभ गई है। सामने आई है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और उन्होंने जवाब दिया है कि 10 साल शासन करने के बाद भी पीएम मोदी के पास कुछ अपना बखान करने लायक नहीं है, लिहाजा वो कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकते। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई टैक्स तो लग नहीं रहा है, ना मोदी जी पर टैक्स लगेगा ये जबानी जमा खर्च करने के लिए। मोदी जी जब सदन में कल बोल रहे थे, जहां पर उन्होंने ये बात कही बेतुकी बात, मुझे नहीं पता मोदी जी इतनी सीट भी लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। असलियत यह है कि इस देश की राजनीति ने कल एक हताश, बेहद थके हुए और बौखलाए हुए व्यक्ति को देखा और वो नरेंद्र मोदी थे। 10 साल के कार्यकाल के बाद उनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिसको वो दिखाकर चुनाव में वोट मांग सके। इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें, आधा सच पूरा झूठ करके मोदी जी ने साबित कर दिया कि 110 मिनट के भाषण में अगर वो 78 मिनट कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते हैं तो वो कांग्रेस से कितना डरते हैं। और डरना चाहिए क्योंकि देश के लोग अन्याय सहकर थक चुके हैं 10 साल और अब वो न्याय करना चाहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ये बता रही है कि आप कुछ तो बताइए कि क्या आपने किया है, वो कार्य की हताशा का परिणाम। आखिरकार पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा जो कांग्रेस को बात चुभ गई। सुनिए पंडित नेहरू को लेकर के उन्होंने क्या कहा था। मैं जानता हूं, मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है, हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि वक्त, यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई, वो मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है, नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। अब इंदिरा गांधी को लेकर उन्होंने क्या कहा, क्यों बात चुभी, वो भी सुन लीजिए। इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था,
लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। आज कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने आज तक भारतीयों को किस नजरिए से देखा है। साथ में वो ये भी जोड़ रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने जो बताया वो कांग्रेस पे एकदम आकर के बात फिट बैठ रही है कि आत्मतुष्टि और पराजय स्वीकार कर लेती है। इसी बात को लेकर के कांग्रेस काफी इस मुद्दे को तुल दे रही है और पूछ रही है कि आपके पास और बताने लायक कुछ भी नहीं है, कब तक गांधी परिवार और कांग्रेस को कोसते रहेंगे, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रैन बेखबर, देखते रहिए।